Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about personality development tips. Now let's begin. Tips number 1, communication skill. कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है? अगर आप किसी से बातें कर रहे हो तो आपके बात करने का तरीका कैसा है? आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला इंसान आपके बातों से इंटरेस्टेड है या नहीं, आपके बातों पे ध्यान दे रहा है या नहीं, आपके बोलने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को अपनी बातों को समझा पा रहे हो या नहीं। एंड अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करो। आप में ये क्वालिटी तो ज़रूर चाहिए कि अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हो तो आपको इस तरीके से बात करना चाहिए किसी से, जैसे कि सामने वाले को ये लगे कि उसे अच्छा फील हो, सामने वाले को ये लगे कि आप में जो है आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपकी बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छी है, तो ये सामने वाला इंसान को क्या हो इस तरीके का लगे। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर हो एंड आप जो भी बोलो वो अच्छे से बोलो एंड आपके बोलने का जो आप कुछ भी बोलते हो तो आप बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं बोलो, पिच का जो लेवल है वो लो भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, वो मीडियम लेवल का होना चाहिए। ओके नहीं बोलो। एंड अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर सामने वाला इंसान आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में ही बात करो, बट आप बीच बीच में इंग्लिश वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। एंड टिप्स नंबर 2, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है? ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आपको किस टाइप का ड्रेस पहनना चाहिए, अगर आप कहीं फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो आपको किस टाइप का ड्रेस पहनना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आपको किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, एंड आप नॉर्मल फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो आपको किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर लेते हैं, इससे सामने वालों को लगता है कि आपको इस चीज़ का सेंस नहीं है कि आपको किस तरीके से कहाँ पे जाना चाहिए, आपको किस तरीके का ड्रेस पहनना चाहिए, आपको किस तरीके का मेकअप करना चाहिए, तो ऐसा सामने वाले को लगता है कि आपको इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। एंड एक बात मैं आपको ये भी बोल दूँ कि अगर आप कोई ड्रेस पहन रहे हो तो आप जो भी ड्रेस पहन रहे हो तो उसके साथ आपको शूज़ पहनना है, स्लीपर पहनना है या फिर सैंडल पहनना है, इन चीज़ों आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होती है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप जो कपड़ा पहनते हो बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी पहनते हो आपके बॉडी में वो कैसा लग रहा है एंड जो भी आप कपड़ा पहन रहे हो वो क्लीन है या नहीं, वो प्रेस है या नहीं, ये चीज़ों का ध्यान बहुत रखो। एंड टिप्स नंबर 3, अगर आप कहीं जाते हो तो आप अगर चेयर पे बैठते हो तो आपका एक स्टाइल होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं बैठो। टिप्स नंबर 4, अगर आप कुछ खा रहे हो तो अपने माउथ को जल्दी जल्दी मत चलाओ, आप धीरे धीरे चलाते हुए खाओ। टिप्स नंबर 5, अगर आप किसी से मिलते हो तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हो? आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान जो है वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपसे ज़्यादा एक्टिव है, तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखो कि इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचो। बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ कि जो क्वालिटी आप में है, जो कुछ आप कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान जो है, दूसरा इंसान जो है वो चीज़ें कर सकता है। हो सकता है कि दूसरा इंसान जो है वो जो चीज़ें कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो, तो ये हर एक इंसान के साथ होता है। कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो हर काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को कभी ये मत सोचिए कि आप दूसरों से कम हो, आपको ये चीज़ें नहीं आती है, वो चीज़ें नहीं आती है। तो हाँ, ये चीज़ें सही है कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमियाँ होती है जो कि अगर आप में है, हो सकता है किसी और में नहीं हो, दूसरे में हो, जो चीज़ें वो
आप में नहीं हो, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप पॉजिटिव हमेशा रहिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए एंड कभी भी आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। इससे आपके पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अपने पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए अपने आप पे जो है ना कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। टिप्स नंबर 6, आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करो, डेली कुछ ना कुछ नई बातों को जानने का ट्राई करो, डेली कुछ ना कुछ नए नए बुक को पढ़ने की कोशिश करो, नए नए चीज़ों को बारे में जानने की ट्राई करो। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। जो नॉलेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप नए नए चीज़ों के बारे में जानने की ट्राई करो, आप नए नए चीज़ों के बारे में सीखने का ट्राई करो। इससे क्या होगी, आपकी पर्सनालिटी जो है वो क्या होगी, अच्छी होगी। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इनक्रीज़ करेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल इनक्रीज़ करेगा तो आपकी पर्सनालिटी वैसे ही अच्छी रहेगी। ओके, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।